हेलो क्लास, आज हम हिंदी में 18 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। 18 चैप्टर है एक दिन का राजा। क्या नाम है पाठ का? एक दिन का राजा। ये एक चित्र कथा है, ठीक है। वाह, क्या सुंदर कतरन है, मैं इसकी टोपी बनवाऊंगा, है ना। ये चूहा जो है वो कपड़े के टुकड़े को देखकर क्या बोलता है कि क्या सुंदर कतरन है, इसका हम टोपी बनाएंगे, है ना। सुनिए साहब, जरा मेरी टोपी सिलिए। चूहा किसके पास जाता है? दर्जी के पास जाता है और बोलता है कि जरा मेरी टोपी सिल दीजिए। तो आया बड़ा नवाब, चल भाग यहां से। दर्जी चूहे को क्या बोलता है कि बड़ा तुम नवाब है, चलो भागो यहां से, ऐसे दर्जी बोल देता है। ठीक है, अभी अपने दोस्तों के साथ आता हूं, सारे कपड़े कुतर दूंगा। चूहा दर्जी से क्या बोलता है जब वो बोलता है नवाब चलो यहां भागो, तो चूहा बोलता है सारे दोस्तों के पास साथ आएंगे हम और तुम्हारा सारा कपड़ा कुतर देंगे, काट देंगे, है ना। नहीं नहीं साहब, लाइए कपड़ा सिल देता हूं। ये दर्जी जो है वो डर से क्या बोलता है कि नहीं नहीं साहब, लाइए कपड़ा, हम आपका टोपी सिल देते हैं ना। टोपी देते हुए, आपकी टोपी तैयार है। दर्जी उसको टोपी देता है चूहे को, बोलता है कि आपकी टोपी तैयार है। तो चूहा क्या बोलता है? धन्यवाद। सिल देता है ना, इसलिए बोलता है धन्यवाद, है ना। कढ़ाई वाले के पास फिर चूहा कहां जाता है? कढ़ाई वाले के पास, है ना। जरा इस पर कुछ मोती सितारे टांग दीजिए। टोपी सुंदर लगने के लिए वो कढ़ाई वाले के पास जाकर क्या बोलता है चूहा कि इस टोपी में थोड़ा मोती और सितारा लगा दीजिए, है ना। हा हा हा, चूहे तेरी ये मजा, चल भाग जा, है ना। तो कढ़ाई वाला क्या बोलता है चूहे को? हंस के बोलता है कि तुम्हारी ये मजा, तुम हमको मोती लगाने बोलेगा, चलो भागो यहां से, है ना। तो फिर चूहा क्या बोलता है? ठीक है, तुम्हारे सारे कपड़े अभी कुतरता हूं। क्या बोलता है चूहा? बोलता है कढ़ाई वाले को कि रुको, अभी हम तुम्हारा सारा कपड़ा कुतर देते हैं, है ना। तो डर से वो बोलता है साहब नाराज ना होइए, लाइए अभी टांक देता हूं। वो डर से क्या बोलता है? कपड़े कुतर रहता है ना, इसलिए बोलता है कि आप नाराज मत होइए, हम अभी आपका जो टोपी है उसमें सजा देते हैं ना सितारा से। सुंदर टोपी देते हुए कढ़ाई वाला कढ़ाई करके देता है, क्या बोलता है? लीजिए टोपी सजा दी है, है ना। टोपी को सुंदर से सजा के क्या बोलता है चूहे को कि लीजिए आपकी टोपी मैंने सजा दी है। तब चूहा बोलता है धन्यवाद, है ना। फिर वो कहां जाता है? राजा के पास, और बोलता है नमस्कार राजा जी, जरा सिंहासन खाली कीजिए। जहां राजा बैठने का जो राजगद्दी होता है ना, उसको सिंहासन बोलते हैं ना। तो बोलता है नमस्कार राजा जी, जरा आप सिंहासन खाली कीजिए। क्या बोलता है राजा? क्या बोलता है? क्यों? तो चूहा बोलता है आज मैं इस पर बैठूंगा, यानी कि सिंहासन पर आज कौन बैठेगा? चूहा बैठेगा। हा हा, पागल हो गए हो क्या? राजा बोलता है चूहे को कि पागल हो गया है कि इसमें तो मेरा बैठने का जगह, तुम कैसे बैठेगा? नहीं देखते नहीं कैसी शानदार टोपी है मेरी, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो पूरे राजमहल में मेरे साथी खलबली मचा देंगे। फिर से धमकी देता है कि देखो मेरी टोपी कितनी सुंदर है, अगर हमको यहां बैठने नहीं देंगे ना तो हम क्या करेंगे, पूरा राजमहल में अपने साथी को लाएंगे, पूरा खलबली मचा देंगे, ऐसा बोलता है चूहा। नहीं नहीं रुको, मैं उठता हूं, तुम बैठो। डर से राजा क्या बोलता है कि रुको रुको, हम उठते हैं और तुम बैठ जाना, है ना। चूहा सिंहासन पर टोपी पहनकर चूहा सिंहासन पर बैठ जाता है ना, और बोलता है कि अब मैं राजा हूं। चूहा क्या बोलता है कि अब मैं राजा हूं। चूहा अगले दिन राजा से बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूं, जरा ठीक से मेरा राज्य संभालना, है ना। चूहा क्या बोलता है राजा को कि अब हम जा रहे हैं, तुम ठीक से मेरा राज्य को संभालना, ठीक है। तो यह स्टोरी पढ़कर आप लोगों को मजा आया होगा, है ना। बार बार इसको पढ़िए और इसको समझने का कोशिश करेंगे, है ना। ओके।